Assalamualaikum, my very dear students of grade 3. I hope you all are fine. Last time we have discussed about some of the important characteristics of the birds. Now the chapter which we have to do for the revision today is about the how birds live. जैसे इंसान जो हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए उनके अलग अलग उनके हैबिटेट्स होते हैं, उनके अलग अलग इन्वायरमेंट और उनकी जगहें होती हैं. कुछ जो हैं वो ठंडी जगहों के आदि हो जाते हैं, कुछ जो हैं एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पोलर बियर और पैंडा और डिफरेंट एनिमल्स की अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं, उनके अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं. बिल्कुल बर्ड्स में भी जो हैं वो अलग उनकी रहने की मुख्तलिफ जगहें होती हैं और वो बाद अवत अपनी पर अगर उन्हें अपनी अप्रोप्रिएटनेस नहीं मिल रही होती तो बाज़ात वो फ्लाई करके माइग्रेट भी करते हैं. आपको मैंने पहले बताया था कि दे हैव गॉट हॉलो बोन्स, ठीक है ना, उनके बोन्स बड़ी हॉलो होती हैं, उनके मसल्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से अपने फेदर्स की हेल्प की मदद से वो डिफरेंट जगहों पर रह सकते हैं या रहने को प्रिफर करते हैं. एज़ फार एज़ देयर फेदर्स आर कंसर्न, क्योंकि उनके जाहिर सी बात है उनके मेकैनिज़म ही जो लैंडिंग का या आप जैसे कह रहे हैं फ़्लाइट का जो है वो डिपेंड ही करता है उनके फेदर्स पर या उनके मुख्तलिफ टाइप के विंग्स पर. तो दे हैव गॉट अराउंड 10,000 फेदर्स जो कि उनके ख़ास तौर से तीन उनके यानी 10,000 है वो तो टोटल नंबर ऑफ़ फेदर्स है जिसकी मदद से उनके ना सिर्फ की बॉडी जो है वो वार्म रहती है बल्कि डिफरेंट जगहों पर वो लैंडिंग या अपनी फ़्लाइट जो है वो उस पर इन्हीं फेदर्स की वजह से ये चीज़ें इन पर डिपेंड करती हैं. अच्छा, चूँकि बॉडी की फेदर जो है वो उनकी पूरी बॉडी को एक कवर कर के हिसाब से और एक प्रॉपर शेप दे रही होती है, उनको वार्म रख रही होती है, बड़ा फ्लफी सा उनका स्ट्रक्चर होता है. ख़ासतौर से तीन बॉडी टाइप के उनके बॉडी फेदर्स हैं लाइक द डाउन फेदर्स, फिर इसी तरह से फ्लाइट फेदर्स और बॉडी फेदर्स जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. कुछ जो हैं वो बॉडी को वार्म रखने में हेल्प कर रहे होते हैं, कुछ जो हैं वो उनके शेप को मेंटेन कर रहे होते हैं, कुछ जो हैं उनको फ्लाइट में हेल्प कर रहे होते हैं यानी उड़ने में हेल्प कर रहे होते हैं. अच्छा, जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ हैवी बर्ड्स होते हैं जिनका वज़न इतना ज़्यादा होता है कि वो बर्ड्स उड़ नहीं सकते, जैसे ऑस्ट्रिच है, कीवी है, पेंगुइन है, ठीक है तो वो बर्ड्स की ही कैटेगरी में, बट दे कैन नॉट फ्लाई. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट देयर हैबिटेट्स, या हम कह सकते हैं कि किस तरह से वो अपना इन्वायरमेंट के अलावा अपना किस तरह से उनकी नेस्टिंग या जहाँ पर रहने की उनकी जगहें मुख्तलिफ हो सकती हैं. जैसे अगर हम यहाँ पर नेस्ट की बात करें तो जैसे ईगल जो है वो बहुत ऊँची जगहों पर आमतौर से अपना कह सकते हैं नेस्ट जो है वो बिल्ड करती है. फिर इसी तरह से अगर ये जैसे टेलर बर्ड, नाम से कैसे पता चल रहा है, टेलर का मतलब ये होता है जैसे टेलर जो है वो स्टिचिंग करता है, सिलाई करता है, बिल्कुल इसी तरह से टेलर बर्ड्स जो हैं वो अपने कुछ इस तरह के मैकेनिज्म उनके पास ऐसा होता है जैसे वो सीव कर रही होती हैं लीव्स को अपने बीक्स की मदद से. डिफरेंट जो है वो ऐसे कुछ हार्मोनल ऐसे सिलाईवा के हेल्प की मदद से कुछ इस तरह से स्टिचिंग करते हैं और प्रॉपर जो है वो इस तरह पत्तों को सी देते हैं ताकि वो वहाँ पर नेस्टिंग कर सकें या अपने अंडे वगैरह दे सकें. इसी तरह से कुछ जो हैं वो वुड या ट्रीज़ की जगह ग्राउंड पर ही अपना घर बनाती हैं या अपना नेस्ट अपना घोंसला बनाती हैं. इसी तरह से अगर वुडी वुड पैकर की बात करें तो वो बाकायदा होल्स कर देते हैं दरख्तों की शाखों पर, ट्रंक पर, और फिर वहाँ पर अपने एग्स जो हैं वो पोर करते हैं. देन वी द डिफरेंट बर्ड्स हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, ठीक है. कुछ जो हैं वो बिल्कुल बहुत शार्प सी होती हैं, कुछ जो हैं वो नट्स और फ्रूट्स की जैसे पैरट्स हैं तो उन बड़ी लॉन्ग सी कर्व सी उनकी बीक्स होती हैं. कुछ जो हैं वो फ्लैश पर यानी गोश्त पर डिपेंड करती हैं तो जिस तरह से उनकी भी बड़ी शार्प सी क्योंकि उनके पास टीथ तो होते नहीं हैं तो सिर्फ उनकी फ्लेक्सिबल जो डिफरेंट टाइप्स की शार्प बीक्स की वजह से वो अपने मुख्तलिफ फीडिंग हैबिट्स को कैरी करते हैं. फिर इसी तरह से अगर डक्स हैं तो उनकी थोड़ी सी ब्रॉड सी जो है वो उसकी नेस बीक्स होती हैं. तो इसमें अल्लाह ताला ने अलग अलग जानवरों की परिंदों की चूँकि ईटिंग हैबिट्स या उनके खाने पीने के जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं इसी वजह से उसी डिज़ाइन के हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल डिफरेंट टाइप के बीक्स दिए हैं. जैसे अगर आप पेलिकन या किंग फिशर की बात करें तो बड़ी सीजर लाइक बीक्स होती हैं ताकि वो आराम से मछलियाँ वगैरह को कैच कर सकें. इसी तरह से अगर हम इनके फीट या क्लॉस या इनका मतलब लोअर पोर्शन जो है वो डिस्कस करें तो वो भी बड़े अल्लाह ताला ने बड़े होल्डिंग मैकेनिज़म्स दिए हैं ताकि वो ना सिर्फ आसानी के साथ अप जिस
दरख्त पर वो स्टे कर रहे होते हैं, ना सिर्फ उसको होल्ड करते हैं बल्कि अपनी जो भी फूड वगैरह है उसको भी कैच करने और होल्ड करने में बड़ा उनको हेल्प कर रहे होते हैं। या इसी तरह से जिनके पास शार्प क्लॉज होते हैं उनकी मदद से वो मुख्तलिफ अपने डिफरेंट फ्लैश को या डिफरेंट अपने जो भी उनके प्रे होते हैं या उनका जो शिकार होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से उनके पास जो है वो रैट्स, टोड्स और दूसरे छोटे छोटे जानवरों पर जिन पर वो शिकार करते हैं अपने टैलेंट्स की मदद से, अपने इसी अपेंडिजेस की वजह से ही वो अपने शिकारों को काबू करते हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात जो है वो इस पर लटक कर सो भी जाते हैं, ठीक है ना, अपने आप को इसी पे कैच करवा के इसी पे होल्ड करते हैं। जैसे बर्ड्स हैं आमतौर से, जो चिड़ियाएँ हैं या कौवे हैं, वो इसी तरह से अपने आप को इस पे दरख्तों की शाखों पर अपने आप को होल्ड करके इसी कंडीशन में ही दे कैन इवन स्लीप। इसी तरह से अगर स्विमिंग बर्ड्स की बात करें, जैसे डक्स वगैरह हैं, तो उनके जो फीच होता है वो बड़ा वेब्ड या ब्रॉड सा होता है ताकि आसानी के साथ वो पानी में स्विम भी कर सकता है। सो दैट्स द डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स और उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके क्लॉज या उनका जो लोअर पोर्शन होता है वो बड़ा स्टाइलिश और डिफरेंट अल्लाह ताला ने बड़े स्टाइल में और डिज़ाइन में किया। जिस तरह की उसकी बॉडी मेकअप होता है उसी तरह का उसका लिविंग मैकेनिज्म होता है। अगर वुडी वुड पिकर की बात करें तो आराम से ये थोड़ा थोड़ा ऊपर तक क्लाइम भी कर लेता है। इसी तरह से अगर क्रेन्स हैं, ठीक है, उनकी बड़ी लंबी सी टांगें होती हैं ताकि वो पानी में आसानी के साथ जो है वो लंबी लंबी टांगों के साथ ईजिली वेडिंग भी कर सकता है, थोड़ा बहुत आहिस्ता से चल भी सकता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर। आई थिंक द चैप्टर इज़ वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग, बट इफ स्टिल यू फाइंड इट डिफिकल्टी यू मे आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।